अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। उम्मीद करता हूँ मामलो खैर खरीत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बड़ी अहम अपडेट्स हैं इटली के हवाले से जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे इटली के हवाले से कि इटली जो है वो कैसा चल रहा है, इसका इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, इसका वीजा प्रोसेस क्या है, और इसके अंदर कुछ नई चीजें जो हैं जो कि सामने आई हैं वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा आज की इस वीडियो में। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इटली आप लोग जानते हैं कि इसने अपनी वीजा की सर्विसेज 4 साल बाद शुरू की। कोविड के टाइम में ये बंद रहा और कोविड खत्म होने के बाद भी काफी अरसा ये जो इटली है इसकी एम्बेसी ने पाकिस्तान में वर्किंग स्टार्ट नहीं की थी, और अब जाके इसके लास्ट मंथ यानी मई में इसके वीजा जो है वो अप्लाई होना शुरू हुए हैं। काफी सारे लोग एक्साइटेड भी थे इसका वीजा अप्लाई करने के हवाले से, क्योंकि इसकी वीजा रेशो बहुत अच्छी रही है पास्ट में, और अब भी लोग समझ रहे हैं कि इसकी वीजा रेशो बहुत अच्छी रहेगी, और हम भी यकीन रखते हैं कि इसकी वीजा रेशो जैसे पहले थी बिल्कुल वैसे ही रहेगी। लेकिन कुछ प्रोसेस में चेंजिंग्स आ गई हैं इसके अंदर, और वो प्रोसेस की चेंजिंग्स क्या है ये वीडियो बड़ी अहम है, इसमें एंड तक देखिएगा, क्योंकि वो एम्बेसी इटली की वो काम कर रही है जो कि शायद बाकी एम्बेसीज इस टाइम पे ना कर रही हो, या शायद आगे जाके फ्यूचर में वो वाली एम्बेसीज भी खासतौर पर शेंजन की ऐसा काम शुरू कर दें। तो ये ऐसा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने बीएलएस को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इटली ने कि बीएलएस वाले जो हैं वो एप्लीकेशन लिया करेंगे। पहले वीएफएस के पास था, जबकि वीएफएस के पास जब ये था तो इसकी सर्विसेज मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतर थी, अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल होती थी, विदाउट अपॉइंटमेंट भी वॉक इन सबमिशन भी हो जाती होती थी। लेकिन ये जब से बीएलएस के पास आया, एक तो इनका जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, काफी बुरा अपॉइंटमेंट सिस्टम है इनका बीएलएस का। स्पेन को जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं, अब आगे से इटली को भी तकरीबन वही मेथड के थ्रू तो लेके चल रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो एक संगीन मसला है। इनकी वेबसाइट जो है वो क्रैश कर जाती है बार बार, जो कि होना नहीं चाहिए। बहरहाल हमें वीजे के मुतालिक जो है वो इसके अंदर क्रिटिकली तौर पे अभी देखना पड़ेगा कि ये आखिर वीजा जो है वो किस तरह से इशू हो रहा है। ये आपको मैं बता देता हूँ, अपॉइंटमेंट बुक कर ली आपने, जाके अपना केस सबमिट करा दिया, सेम एज शेंजन डॉक्यूमेंट जो कि आपके शेंजन के लिए लगते हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जाके लगा देने हैं। लेकिन क्या होता है बीएलएस में तो आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि वो एक वीजा ड्रॉप बॉक्स है, आपने जाके सिर्फ एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवानी है। लेकिन इटली जो है वो आपको पर्सनली तौर पर वेरीफाई कर रहे हैं, आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जैसे बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह है, आपका एनटीएन है, आपकी टैक्स रिटर्न है, ये सारी चीजें जो है वो इटली एम्बेसी वेरीफाई करती है कि ये ओरिजिनली है भी क्या नहीं है। काफी सारी और कंट्रीज में इस तरह की चीजें या खासतौर पर शेंजन में इस तरह के मामला हमें नहीं देखने को मिले, लेकिन इसके अंदर हमें ये वाले मामला देखने को मिल रहे हैं। पहली चीज, आप जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे, एक इसमें आपको जो है वो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम वेट करना पड़ेगा। बीएलएस के पास जितने भी कंट्रीज जो हैं वो लोग अप्लाई करते हैं वीजा, उन ये लोग तमाम लोग जानते हैं कि इनका बड़ा ही मसला है, ये बहुत लेट जो है वो डिसीजन देते हैं। स्पेन एम्बेसी जैसे है वो बड़ा लेट डिसीजन देती है, इसी तरीके से जो इटालियन एम्बेसी है वो भी बड़ा लेट डिसीजन देती है। तो बीएलएस के पास तमाम वो ममालिक आ जाते हैं जिनकी वीजा रेशो तो ठीक होती है, लेकिन उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कोई इतना अच्छा नहीं चल रहा होता। बहरहाल प्रोसेसिंग टाइम तो चले जो भी चल रहा है सो चल रहा है, इसका तरीकेकार काफी डिफरेंट हो गया इटली का। आपको आपकी वेरिफिकेशन की, आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन की तीन किस्म की जो है वो आपको सामना करना पड़ सकता है। तीन किस्म की वेरिफिकेशन का सबसे पहली जो वेरिफिकेशन है वो है कॉल फोन वेरिफिकेशन। हो सकता है कि आपको कॉल आए इंटरव्यू की, इंटरव्यू जो है वो आपका लिया जा सकता है, आपको कॉल की जा सकती है इंटरव्यू की, और इंटरव्यू में आपसे आपके मुतल्लिक सारे सवालात किए जा सकते हैं, आप कौन हैं, क्या करते हैं, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, काम क्या करते हैं, बिजनेस है, जॉब है, कब से कर रहे हैं, कौन कौन से कंट्रीज में ट्रेवल किया हुआ है, और आपने इटली में कहाँ जाना है, किधर जाके रुकना है, होटल कौन सा आपने बुक किया हुआ है, कौन कौन सी जगह विजिट करनी है आपने, ये तमाम तरह चीजें जो है वो आपसे कॉल पे पूछी जा सकती हैं। सेकंड क्या है, अगर आपको कॉल नहीं आती है, आपको एक और कॉल आ सकती है कि आप आ जाए वहां पे इंटरव्यू के लिए, और काफी सारे लोगों को बुलाया भी गया है, लोग वहां पे गए हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू देने के लिए लोग वहां पे गए हैं एम्बेसी में इंटरव्यू की, उनको एक डेट दे दी जाती है कि इस डेट पे आप आ जाए और आप आके हमें इंटरव्यू दें।
तो लोग वहां पे जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और वहां पे जाके जो है वो अपना इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू में भी सेम यही क्वेश्चनिंग की जाती है जो क्वेश्चनिंग आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी लोग इंटरव्यू देने के लिए गए हैं इटली एम्बेसी में, उनका सारा दिन वहां पे तकरीबन लग जाता है। 9 बजे का टाइम दिया होता है, लेकिन आपकी बारी आते आते 2 बजे 3 बजे 4 बजे कोई भी टाइम आपका हो सकता है। तो ये आपने याद रखना है कि इटली के प्रोसेसिंग में अगर आपको कॉल आ गई है कि आप वहां पे इंटरव्यू देने के लिए आए, तो आपका सारा दिन वहां पे लग सकता है। क्वेश्चनिंग जो है वो तकरीबन 15-20 मिनट की वो करते हैं, 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपसे सारी चीजें जो है वो पूछते हैं, हर लिहाज से आपको जो है वो चेक करते हैं, आपकी ट्रेवलिंग को देखते हैं, खास तौर पे आपके होटल बुकिंग को चेक किया जाता है कि वाकई ये कंफर्म्ड है कि नहीं। अब एक चीज मैं बता दूं, होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म्ड और पेड होने में डिफरेंस होता है। कंफर्म्ड बुकिंग का मतलब ये होता है वो आपने क्रेडिट कार्ड से ऑथराइज की हुई हो, यानी आपने कार्ड की डिटेल्स पुट की हुई हो उसके अंदर, और जब चाहे होटल जो है वो आपसे चार्ज करके चेक कर सकता है। दूसरा क्या होता है, पेड बुकिंग। पेड बुकिंग और कंफर्म्ड बुकिंग में जो है वो डिफरेंस है। पेड बुकिंग क्या होती है कि आपने तमाम तर बुकिंग के पैसे जो है वो ऑलरेडी पेड कर दिए हैं, अब आपको जो है वो वहां से वाउचर इशू हो गया है। आप दोनों ही बुकिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं कि बजाय इसके कि आप सारी पैसे पे करें, अपनी अमाउंट को बाउंड करें, आप आराम से जो है वो सिंपली तौर पे कंफर्म्ड बुकिंग लगाएं। आपका कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए और आप जो कार्ड के डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी होटल की बुकिंग कन्फर्म्ड रहे। आप अगर वहां से इंटरव्यू दे के आ जाते हैं तो वेल एंड गुड। तीसरी जो कि सबसे अहम चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकती है। आपके ऑफिस का वो विजिट भी कर सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली एक हमारे कस्टमर ने वीजा अप्लाई किया हुआ था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, जब भी कोई इस तरह का सिनेरियो आता है तो कोई वीडियो बना के कह देता है जी इटली वाले आ रहे हैं, इटली वाले ये कर रहे हैं, स्पेन वाले ये कर रहे हैं, स्पेन इंटरव्यू कर रहा है, ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूं कि ये काम हो सकता है, जो कि हुआ है एक साहब के साथ। हमने 5 एप्लीकेशन सबमिट कराई थी, लेकिन एक के साथ ऐसा हुआ है कि उनके ऑफिस में आके बकायदा तौर पे इटालियन एम्बेसी वाले सारी चीजें वेरीफाई करके गए हैं। जो उन्होंने बिजनेस बताया था वो सारी बिजनेस की डिटेल्स जो है वो आके उन्होंने वहां से कलेक्ट किया और वो लेकर गए हैं। तो वहां पे आके क्वेश्चनिंग भी की है, आप क्यों जा रहे हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे कितना स्टाफ है, आप स्टाफ को सैलरीज वगैरह कैसे देते हैं, आपने कितने अरसे से ये ऑफिस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये रेंट पे है या आपका ऑफिस जो है वो आपने परचेज किया हुआ है, और ये इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे आके करेंगे। तो आपने ये तमाम सब चीजें याद रखनी है कि इसकी 3 किस्म की वेरिफिकेशन होंगी, या वो आपको कॉल कर लेंगे, या वो आपको वहां इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, या वो आपके ऑफिस में खुद ही चलकर आ जाएंगे और आके आपको वेरीफाई कर लेंगे आपकी क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आपने प्रोवाइड की हुई है अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने रिलेटेड, वो दुरुस्त भी है कि नहीं है। तो ये इटली के हवाले से बड़ी अहम मालूमात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मजीद मालूमात के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं आप वो हमें जो है वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।